वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे SMPS के बारे में। SMPS क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्क क्या है। और फ्रेंड्स, हम कुछ बातें करेंगे SMPS और ट्रांसफार्मर के बीच। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल का आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं SMPS क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो SMPS, जैसे कि आप सब जानते हैं SMPS क्या है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। ये एक पावर सप्लाई यूनिट है फ्रेंड्स। तो इसका काम क्या है, स्विचिंग करके PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन करके पावर को ट्रांसफ़र करना, पावर सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह देना। और फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं आप, ये इतने सारे केबल्स हैं पावर अप्लाई करने के लिए, किसी भी जरूरत जहाँ है उसके अनुसार इसको पावर को देने के लिए। फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये कंप्यूटर के का SMPS है, तो आप देख रहे होंगे इसके अनुसार से 2480X है, 2480X का ये केबल है और ये मॉड्यूलर है, और कुछ और भी चीज़ें इसमें हैं अलग अलग तरह के, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट SMPS से हमें वोल्टेज प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से हम देखते हैं पहले इसके कंस्ट्रक्शन क्या क्या है ये कंस्ट्रक्शन में इसमें। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, जैसे कि मैंने ये पहले से ही खोल रखा है, ये इसका बॉक्स है ऊपर का। और फ्रेंड्स, जब हम इसे देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर, ये एक्चुअली एक कैपेसिटर है फ्रेंड्स। यहाँ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ओके। और कैपेसिटर के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं, ये चार डायोड है। तो फ्रेंड्स, आप ये सब चीज़ तो है, और यहाँ पर कुछ वोल्टेज रेगुलेटर कुछ लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैं नज़दीक दिखाता हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, ये वोल्टेज रेगुलेटर है कुछ ये फ्रेंड्स इधर से, और फिर आप इधर इंडक्टर है, एंड इधर से मैं आउटपुट लेता हूँ, ये भी आउट कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं ये कैपेसिटर। फ्रेंड्स, सबसे पहले सप्लाई हमें यहाँ एक फ्यूज़ लगी हुई है, फ्यूज़ से होकर जाती है। उसके बाद यहाँ कुछ वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, VDR है इसको कहते हैं फ्रेंड्स। ये ब्लू कलर का आप जैसे देख पा रहे हैं, ये VDR है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। इसके थ्रू इधर डायोड के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर ये बना हुआ है, उसके थ्रू ये इस कैपेसिटर में जाता है। कैपेसिटर फ्रेंड्स इसे लगाया जाता है क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर से मिलने वाला जो हमें साइन वेव होते हैं, वो फुल वेव, हाफ वेव, इस टाइप के साइन वेव मिलते हैं। तो फुल, क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया गया है, इसलिए हमें फुल वेव साइन वेव मिलता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी कमियां होती हैं। तो जो कैपेसिटर के माध्यम से हम इसे फुलफिल करते हैं, आप देख सकते होंगे ये बड़ी बड़ी कैपेसिटर है 470 माइक्रोफैरेड का, और ये दो इसमें लगाई गई है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ आप देखने को मिल रहा है हमारा हीट सिंक। ये फ्रेंड्स, ये हीट सिंक है, यहाँ एक और ये भी हीट सिंक है। तो दो हीट सिंक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, सप्लाई इधर से जाती है, ये पहला फिल्टर सर्किट है, फ्रिज विज रेक्टिफायर के थ्रू इधर से जाता है, ये हमारा फिल्टर सर्किट है। फिल्टर सर्किट के बाद हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है, ये ट्रांसफार्मर से सिग्नल पास होकर के इसमें जाता है, फिर इस वोल्टेज रेगुलेटर से पास होकर के सिग्नल, फिर इंडक्टर लगा रहता है। ये भी एक फिल्टर सर्किट है, इंडक्टर और कैपेसिटर बन के एक फिल्टर सर्किट बनाता है, क्योंकि ये इंडक्टर और कैपेसिटर एक स्विचिंग सर्किट की तरह काम करते हैं। क्योंकि फ्रेंड, ये एक्चुअली ये आइडियल केस में कोई भी पावर स्टोरेज नहीं रखते हैं, बट जैसे कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, तो ये कुछ बहुत कम पावर का खपत करते हैं, और एज ए स्विच यूज़ किया जा सकता है इनको पैरेलल में ऐड करके। तो फ्रेंड्स, एंड देन हमें ये यहाँ से आउटपुट देखने को मिलता है, इस केबल के थ्रू हम यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं,
और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा इसमें कि और क्या क्या चीज़ हो सकता है इसमें। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये एक आईसी दिया हुआ है, ये एक आईसी है फ्रेंड्स। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब एक आईसी है, देखिए फ्रेंड्स ये भी एक आईसी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आईसी यहाँ पर है पहले से, और तीन ट्रांसफार्मर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक दो एंड तीन, तीन ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं यहाँ पर, वोल्टेज या करेंट को आप स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के थ्रू। ये इसीलिए लगाया हुआ है रिक्वायर्ड वोल्टेज हमें मिल सके, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पहले से पता है SMPS में 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट तरह के आउटपुट मुझे DC वोल्ट में देखने को मिलती है। एक्चुअली ये फ्रेंड्स ये जो SMPS है ये AC टू DC कन्वर्ट करने वाला SMPS है। फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इस साइड में कंस्ट्रक्शन में, देखिए फ्रेंड्स एक कूलिंग फैन लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये कूल करता है फ्रेंड्स इस सर्किट को। यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं इनको भी कूल करता है, ये इसमें से हीट बाहर जो आता है इनको कूल करता है फ्रेंड्स। और एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ कुछ डक्ट बने हुए हैं फ्रेंड्स जैसे कि एयर फ्लो काफ़ी आसानी से हो सके और इसका कूलिंग भी अच्छा है, और कूल होने पर इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से आप यहाँ इनपुट सप्लाई दे सकते हैं, और यहाँ से आप क्योंकि ये कंप्यूटर का SMPS है, आप मदरबोर्ड मॉनिटर के लिए आप यहाँ से SM आउटपुट ले सकते हैं, आप मॉनिटर के इनपुट में इसकी सप्लाई दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए दो तरह का दिया हुआ है यहाँ पर। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसका डिज़ाइन होता है, और ये हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि SMPS ही क्यों ज़रूरत है, ये काम तो ट्रांसफार्मर भी कर सकता था। तो फ्रेंड्स यहाँ ये बात आ जाती है कि आपको अधिक दक्षता अच्छी चाहिए, और आपका सामान बल्कि ना हो, काफ़ी कम स्पेस में वो काम कर सके, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें SMPS की ज़रूरत पड़ा। फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमें हायर करेंट रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए होगा तो इसका साइज़ ऑटोमेटिक ये बढ़ जाता है, क्योंकि कॉपर क्वाइल का साइज़ जो होता है मोटा हो जाता है, और उसके अनुसार उसकी रेटिंग भी बढ़ जाती है, काफ़ी देखने में बल्कि हो जाता है, भारी हो जाता है, स्पेस ज़्यादा लेने लगता है, तो और उसकी एफिशिएंसी भी उसके अनुसार कम ही होती है। तो फ्रेंड्स इसलिए हम SMPS को ही हर जगह एज ए पावर सप्लाई, एज ए स्मार्ट पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स में अच्छा एडवांटेज ये है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, और फ्रेंड्स आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का साइज़ घटता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर यही यूज़ करते हैं SMPS में ट्रांसफार्मर, आप देख रहे हैं छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज़ किए गए हैं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके हम ट्रांसफार्मर का साइज़ को कम करते हैं, और ये स्मार्ट तरीका है फ्रेंड्स। PWM यहाँ पर मेथड यूज़ में लाया जाता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन यूज में लाता है एज ए स्विचिंग करते हैं फ्रेंड्स, एंड देन उसके हिसाब से आप 25 हर्ट्ज़ टू 50 किलो हर्ट्ज़ तक के इसमें रेंज में आप फ्रीक्वेंसी को चेंजेस करके स्विच मोड स्विचिंग करके पल्स विथ मॉड्यूलेशन की टेक्निक को यूज़ करके आप रिक्वायर्ड वोल्टेज को आउटपुट में ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसी टेक्निक का प्रयोग किया गया है इसमें। आप जैसे कि बताना चाहूँगा इसमें रेक्टिफायर होते हैं जो कि रेक्टिफायर फिल्टर करने के लिए सर्किट होती है, चॉपर होता है, चॉपर के बाद फ्रेंड्स कुछ और भी इसमें और सेक्शन होते हैं, फीडबैक के लिए अलग सेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आगे चले देते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको ब्लॉक डायग्राम में ये चीज़ अच्छे से समझाऊंगा इसमें क्या क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक नए तरीके से SMPS को बता रहा हूँ। यहाँ हम बेसिक ब्लॉक्स का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली हम इस ब्लॉक्स को 5 भाग में डिवाइड कर दिया है हमने। तो पहला है उसमें से इनपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर। ओके फ्रेंड्स, इस ब्लॉक में क्या होता है कि इनपुट लिया जाता है AC इनपुट, और उसे फिल्टर रेक्टिफाई और फिल्टर करके DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके और फ्रेंड्स सेकंड ब्लॉक है हमारा चॉपर। ये चॉपर सिग्नल को क्या करता है कि DC सिग्नल को चॉप करता है और इसे पल्सेटिंग DC वेव में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स तीसरा ब्लॉक है हमारा ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज के अनुसार जो इसे इनपुट वोल्टेज मिल रहा है उसको स्टेप डाउन करने का काम करता है। फ्रेंड्स, फोर्थ ब्लॉक है हमारा आउटपुट रेक्टिफाइंग एंड फिल्टर यूनिट। ये क्या करता है फ्रेंड्स, हमें जो आउटपुट पल्सेटिंग डीसी मिलती है उसे रेक्टिफाई करता है और उसे फिल्टर करता है। ओके फ्रेंड्स, पांचवा है हमारा फीडबैक सर्किट। ये हमारा क्या करता है कि आउटपुट सिग्नल लेता है, फीडबैक देता है और ये मेंटेन करता है हमारे डिज़ायर वैल्यू पर कि हमारा हमें जितना वैल्यू चाहिए, जिस वोल्टेज के लिए वैल्यू चाहिए वो वैल्यू मिल रहा है या नहीं, और उसे बनाने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं SMPS जो होता है हाई सिग्नल पर, हाई फ्रिक्वेंसी पर ये वर्क करता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है SMPS को ऑन ऑपरेट करने कराने के लिए, हमें अपना इनपुट की फ्रीक्वेंसी को इनक्रीज़ करना पड़ता है। लेकिन हम इनपुट की फ्रीक्वेंसी को यानी कि 50 हर्ट्ज जो हमें मेंस में फ्रीक्वेंसी मिलते हैं डायरेक्टली इनक्रीज नहीं करते हैं, इसलिए हम पहले इसे इनपुट की जो वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे इनक्रीज़ करते हैं, देन फिर हमें रिक्वायर्ड वैल्यू जो चाहिए डीसी आउटपुट के लिए फिर हम वो लेते हैं। फ्रेंड्स, इसी चीज़ को हम अच्छे से समझने के लिए अब हम ब्लॉक डायग्राम का सहारा लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, आप जैसे कि ये ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें पहला ब्लॉक है ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर यूनिट का है। ये काम क्या करता है, ये इनपुट एसी सिग्नल मेंस को लेता है और इसे रेक्टिफाई करता है और फिल्टर करके डीसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, सेकेंड हमारा ब्लॉक है वो चॉपर है, यूनिट है, वो इस सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग का काम करता है। ये 50 किलो हर्ट्ज तक के लिए ये काम के ऊपर काम करता है, जो हमारे ह्यूमन के ऑडिबल यूनिट के रेंज से बाहर होता है, तो इससे नॉइस भी रिड्यूस होता है। ये चॉपर डीसी पल्सेटिंग वेव को प्रोड्यूस करता है और इसके काम में आता है। यहाँ पर हम आपको कुछ वेब फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पल्सेटिंग डीसी को स्टेप डाउन करने में हेल्प करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफायर एंड फिल्टर यूनिट, जो ट्रांसफार्मर के बाद लगा हुआ है। वो हमें ट्रांसफार्मर के आउटपुट सिग्नल को रेक्टिफाई और उसको फिल्टर करने की कोशिश करता है। अब हम आते हैं आउटपुट सेंसर यूनिट की ओर। तो ये आउटपुट सेंसर यूनिट जो होता है एक्चुअली आउटपुट से सिग्नल लेता है और रेफरेंस वोल्टेज से इसे कंपेयर करता है, ये ज़्यादा है या कम है या रिक्वायर्ड वैल्यू पर है या नहीं। और फ्रेंड्स, इस तुलना से जो एरर वोल्टेज होता है वो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी में वापस चला जाता है। अगर आउटपुट रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा प्राप्त होता है तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, जिससे कि टोटल आउटपुट पावर घट जाता है और साथ ही साथ वोल्टेज भी घट जाता है उसके अनुसार। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हमें आउटपुट वोल्टेज कम प्राप्त होता है तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और फाइनली आउटपुट वोल्टेज को वह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स हमें पूरा सुनने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी इस तरह के टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर इस तरह का और नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।